हाय, मैं हूँ मोहम्मद नाजिम और आपने मुझे देखा साथिया साथ निभाना है। तो और मैं बात कर रहा हूँ CINESPEAKS.com पे। हेलो नाजिम, वेलकम ऑन CINESPEAKS। हेलो जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं हम साथ निभाना साथिया से, क्योंकि वो बहुत ही फेमस रहा है, बहुत ही टॉप TRP रही है उसकी हमेशा से। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और कैसे मिला आपको ये रोल? आप देखो, हार्डवर्क ऑलवेज पे ऑफ है ना, और बहुत हार्डवर्क किया था इसके लिए मैंने, बिकॉज बहुत बड़ी जर्नी रही है मेरी साथिया में। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि साथिया से मुझे बहुत कुछ मिला है। इवन स्टार प्लस ने जो हमें दिया है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। रश्मि मैम, जो रश्मि शर्मा टेलीफिल्म से हैं, पवन सर जो इस शो के डायरेक्टर थे, बाकी मेरी इंटायर कास्ट, गोपी, विशाल, पारस प्रताप, जितने भी लोग थे ना, कोकिला जी, हेतल जी, उर्मी जी, जितने भी इंटायर मेरी पूरी कास्ट थी, जो उन सब के लिए मतलब तहे दिल से शुक्रिया, बिकॉज उनके साथ पूरी जर्नी रही है मेरी ना 8 साल की। और बीच में जितने भी कैरेक्टर्स आए हैं, जो बाद में भी आए हैं, उन सबके साथ जितना भी कुछ रहा बहुत अच्छा रहा है। और बहुत हार्डवर्क किया, बिकॉज जब मैंने, सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ आपको, जो मैंने जब साथी का इंटरव्यू दिया था तो शो का नाम कुछ और था, और मैं तब आई थिंक मैं CID कर रहा था शूट में। CID के बाद 3rd डे था जब मुझे फ़ोन आया अखिलेश जी का कि नाजिम, हमने ना आपका ऑडिशन लेना है, हमारा एक शो आ रहा है। तो मैंने ठीक है, तुमने ऑडिशन दिया, मेरे पैसे वैसे हो गए, सब बात हो गई, सब कुछ हो गया, तो कहते हम आपको बताते हैं, पर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था। सो देन थोड़ी देर बाद मुझे, मैंने फ़ोन किया उनको कि सर मुझे बताया नहीं, तूने बोला कि हमने किसी और को कास्ट कर लिया। सो मतलब बहुत ही चीज़ें यहाँ बॉम्बे में, कोई चीज़ मतलब फिक्स नहीं है, है ना, ऑलवेज यही राय, कोई भी चीज़ यहाँ पर फिक्स नहीं है, और ना ही चीज़ आपको ये हो सकता है कि आपको ही मिलेगी। यू नेवर नो कौन क्या हो जाए, कब क्या हो जाए। और तब दिया था मैंने इंटरव्यू, तो अपना ऑडिशन दिया था, उसके बाद चलो ठीक है। तो 2 महीने बाद दोबारा से, जब मैं एक बार फिर से दोबारा CID शूट कर रहा था, उसी का एपिसोड शूट कर रहा था CID का, तो मुझे दोबारा से उन्होंने बुलाया कि हमने ऐसे ऐसे आपका ऑडिशन देखा था, ऐसे करके मैं, मैंने 2 महीने पहले दिया था ऑडिशन, तो उन्होंने मुझे कि आपने जो ऑडिशन दिया था वो, उसके बाद हमने जब नई कास्ट की थी तो सारे वो कास्ट बदल के हम दोबारा कास्ट करें, तो दोबारा से आपका ऑडिशन लेना पड़ेगा। तो मतलब आप देखोगे जर्नी कैसी होती है, पहले मैंने दिया, 2 महीने बाद दोबारा से फ़ोन आया मुझे, तो ऑडिशन दिया, दोबारा से लुक टेस्ट हुआ, उसके बाद मुझे जाके रोल मिला अहम। और अहम के बाद आपको पता ही है, साथिया बहुत अच्छा शो रहा है माशाल्लाह, हमारा ऊपर वाले की दया से, बाकी ऑडियंस से बहुत प्यार मिला है ना, बाकी बहुत अच्छा रहा है। तो बॉलीवुड में आने का कुछ इरादा है आपका नजीम? मतलब इंसान इंडस्ट्री में काम करते हर किसी का इरादा तो होती, इरादा क्या, हर किसी की तमन्ना होती बॉलीवुड में। और मैंने की भी है, 666 फिल्म की थी मैंने यूट्यूब के लिए, और देखोगे आप नेट पर पढ़ी भी, अच्छे खासे उसके व्यूज़ अच्छी खासी फिल्म है, वो हॉरर फिल्म है, इट्स वेरी ट्रू स्टोरी, और बहुत अच्छी स्टोरी थी अजीज़ की थी, है ना। तो वो फिल्म की है, उसके बाद फिर मैंने एक पंजाबी बिग डैडी फिल्म भी की है, तो वो है अभी देखो अपकमिंग है प्रोजेक्ट मेरे, जो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगी। तो कोई ऐसा सपना है बॉलीवुड में, कोई ऐसा रोल है जो आपका ड्रीम रोल है और आप जो करना चाहते हैं? हाँ, ड्रीम रोल तो बहुत सारे हैं, मतलब एक दो रोल्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ काम करूँ, ऐसे उन सलमान या अक्षय के साथ करूँ, है ना, मेरे ड्रीम रोल है वो। एक तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह मेरा पूरा हो जाएगा, अभी लगा पड़ा हूँ उसके चक्कर, बाकी पता भी है लोगों को, और बहुत जल्दी आ भी जाएगा। नजीम, हमने आपको ऑन स्क्रीन तो देखा, हम सब ने आपको बहुत प्यार किया सीरियल में, और ऐसे भी आप एज ए पर्सन भी बहुत अच्छे हैं। तो आप मुंबई को बिलोंग करते हैं या फिर आप कहाँ से आए, और ये जर्नी आपकी फैमिली से जानना चाहेंगे हम कि कैसे शुरू हुई? मैं बेसिकली, मैं जो मेरा जो होम टाउन है वो पंजाब में है, मालेरकोटला डिस्ट्रिक्ट में है, लुधियाना से थोड़ा पहले है, और फिर मैं चंडीगढ़ में रहा हूँ, वहाँ से मैंने मॉडलिंग शुरू की, वीडियो शुरू की सबसे पहले पंजाबी, जो उस टाइम पे काफ़ी क्रेज था वीडियोज़ का, आई एम टॉकिंग अबाउट 2004। तो पहला मेरा वीडियो शूट हुआ था वो 2006 में हुआ था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपनी जर्नी बनाई, उसके बाद फिर मैं बॉम्बे आया 2005 में, पहली बार आया, 1 महीना रहा तो मैं भाग गया, तो मैं समझ नहीं पाया कि बॉम्बे इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, मतलब कहाँ समझे, कहाँ कौन है, कोई आपको जानते ही नहीं है। मैं वापस चला, देन अगेन 2007 में मैं आया, नहीं 2008 में मैं आया, 3 साल बाद, फिर मैं यहाँ पे 6 महीने रहा, फिर मैं भाग गया, फिर मेरा कुछ नहीं हुआ। देन अगेन फिर मैं 2009 में आया, जब मुझे खुद मतलब इंडस्ट्री ने बुलाया, मतलब मैंने एक ब्रंच ऐड की थी दिल्ली की, यतीन आलू वाली हैं, वो एक मेकअप मैन है और एक फोटोग्राफर है, तो उनका मैंने शूट किया था, उनके साथ एक ऐड शूट की थी ब्रंच मैगजीन जो आती है। तो उसके बाद मुझे स्टार प्लस से फ़ोन आया, फिर तो उन्होंने मुझे बोला, तो उसके बाद मुझे शो मिला शौर्य सोहन जो स्टार प्लस पे आता है, तो उसमें काम किया मैंने 2-3 महीने, देन उसके बाद फिर मैंने एक साथ स्ट्रगल की, उसके बाद मुझे आगे साथ ही मतलब मैं आपको बता दूं कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल भी रही है और चीज़ें भी मिली है मुझे,
तो मुझे हार्डवर्क करने के बाद ही मिले मुझे कोई चीज़ बिल्ली नहीं, मतलब होता है लोगों के थोड़ा सा करते हो इतनी सारी चीज़ मिल जाती है, तो मैं इतना सा करता हूँ तो मुझे आके इतनी चीज़ मिलती है, तो ये मेरा अपना मानना है। क्रिटिसिज्म भी मिला होगा आपको इस फील्ड में डेफिनेटली, तो कैसे लिया आपने उसको? बहुत अच्छे से लिया। मैं आज मैं कहीं जाता हूँ तो लोग मुझे पहचान लेते हैं, एक साल हो गया बिकॉज ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए हमारे शो बंद हुए, और आज भी लोग रिकग्नाइज करते हैं, हमें पहचान लेते हैं, बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड थैंक्स टू गॉड, माई मॉम डैड, मेरे इवन फ्रेंड्स जो इतनी दुआएं देते हैं जब सब कुछ करते हैं, इवन फैंस जो हमारे इतना प्यार देते हैं। तो अभी जैसा कि दौर चल रहा है ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक पे लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, कभी ऐसा आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ कि सोशल मीडिया पे कभी कुछ ट्रॉलिंग हुई या कभी कोई नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी हो आपको? ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब मेरा एक बार जो अपना ये आता है अब वीडियोज कॉल जिस पे होती हैं वो किसी ने हैक करे, तो कितने लड़के कितनी लड़कियों से बातें कर लेते मेरे नाम पे, है ना, शक्ल दिखाते भी नहीं थे, तो वो मुझे फेस करना पड़ा। तो मुझे मतलब मेरी अपनी गर्लफ्रेंड से कितनी बार लड़ाई हो गई थी कि तू लड़कियों से बातें करता, लड़कियों वीडियो चैट करते, तो मेरे को समझ नहीं आता वो चीज़ों। इवन अभी पीछे मैं अभी फिल्म देख के आई पद्मावत, है ना, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी है, जैसे मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है, तो मुझे कई लोगों ने ऐसे के ऐसे मैसेजेस किए हैं इंस्टा पे फेसबुक के कि खिलजी अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी, तो मतलब भाई ये कमाल है। तो ऐसे बहुत छोटी चीज़ें मुझे अच्छी भी लगती हैं और कुछ चीज़ें होती भी हैं। तो आपकी फैमिली का सपोर्ट कितना रहा, कोई फैमिली मेंबर ऐसा था जिसने कभी कहा कि नहीं मत जाओ बहुत स्ट्रगल है? इवन डैड ने बहुत कहा मुझे, बिकॉज मैं अब चंडीगढ़ में वेल सेटल था, वहाँ पे मैं एज एन अच्छा खासा ट्रेनर भी था, फिर वीडियोस भी शूट कर लेता था, फिर एक्टिंग भी कर लेता था, तो ऑलमोस्ट मतलब मैं वेल सेटल था कि उनको था कि यहाँ पे तो चंडीगढ़ में है, अच्छा काम कर रहा है, सब बढ़िया है, सो आई वी गोइंग टू बॉम्बे, है ना, मतलब वहाँ जाके इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ कौन जानता, कोई उनको हेल्प ही नहीं करता, बिकॉज बात में उनकी सही थी, बट मुझे था कि यार मैं कुछ करने ही है, जब चंडीगढ़ गए थे तो कौन सा जानता था मैं कोई, तो चंडीगढ़ से बॉम्बे चले तभी कोई नहीं जाता, बिकॉज आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, आप कहीं पे भी शुरू हो जाओ, कहीं पे भी कुछ करो, कुछ नई चीज़ भी करते तभी आपको हार्डवर्क करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। बट मेरे इसके बीच में मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया, सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट किया मुझे मेरी सिस्टर ने किया वो, और माँ ने हमेशा मेरे लिए दुआएं की हैं, मेरी सिस्टर ने मुझे ऑलवेज सपोर्ट किया, और मेरे भाई बड़े, तो दो इंसान ऐसे मेरी लाइफ में जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि तू नहीं तू कर, हम तेरे पीछे हैं, हम तेरे पीछे खड़ा है। तो आप उन ऐसे लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो बहुत सारी सपने और उम्मीद लेके आते हैं मुंबई शहर, नहीं सक्सेस हो पाते हैं, कई लोगों ने सुसाइड किया? हर किसी इंसान के कुछ ना कुछ लिखा होता है, आपकी जो आपकी किस्मत में लिखा वो मिटा नहीं सकते, ये तो मानना है कि दौलत कमाई जा सकती है लेकिन शोहरत कमाई नहीं जा सकती, जिल्लत शोहरत जिंदगी और मौत सब ऊपर वाले के हाथ में, वो फिक्स है, जो होनी होना है, कुछ भी कर लो, चाहे मैं कहता हूँ आप कहीं पैदा हो जाओ, कहीं भी चले जाओ, जो चीज़ आपको जहाँ मिलनी है वो मिलनी है, बट ये है कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अभी मैं पीछे एक इंसान से मिला था जो मेरे बहुत करीब है, तो उन्होंने मुझे बताया कि इंसान की ज़िंदगी में दो तरह की किस्मत होती है, एक किस्मत वो होती है जो लिखी होती है कि ये होना ही होना है, वो होती है ज़िंदगी और मौत, ये पैदा हो गया तो इसके बाद इसका मरना है, और एक किस्मत ऐसी होती है कि हमारी चीज़ें लटकी होती है, भगवान ने दी होती है, ऊपर वाले अल्लाह ने, है ना, कि लड़का ही होते हैं, हम जितना हार्डवर्क करते हैं वो ऐसे ऐसे हमारे हाथ में देता रहता है, तो बदल नहीं सकते। बट मैं यही कहूँगा, बट जो आज की जनरेशन है, जैसे बिकॉज हम भी इसी जनरेशन के अभी है ना 8 साल के, तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि यार अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, बट अभी न्यू टैलेंट जो देखते हैं, तो जब देखते हैं तो सारी चीज़ पता चला आज कितना कॉम्पिटिशन है, तो मैं यही चाहूँगा बस कि आप हार्डवर्क करते रहो, अपना सीधा वे बना के रखो, सीधे रास्ते चलो, अगर आप करना होगा तो आप कर ही जाओगे, कोई आपको रोक नहीं सकता, बाय हुक बाय क्रूक अगर आप करना चाहोगे तो करोगे, बिकॉज फेलियर लोगों को पता होता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि उनके पास एक ही चीज़ होती है कि करो या मरो बस। जैसा कि हम देख रहे हैं आप बहुत ही फिट हैं, बहुत ही अभी अभी मैं जो अभी करने वाला हूँ, अभी 2 दिन मिनिमम इंशाल्लाह मैं शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए मैं अभी बॉडी वॉडी बना रहा हूँ, उसके लिए सारी लुक बनाई है सारी चीज़। हाँ तो क्या राज है, आप क्या फॉलो करते हैं डाइट? डाइट मैं अभी सारा दिन खाता हूँ, सोता हूँ, जिम जाता हूँ सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, बस यही मेरी रूटीन है, मतलब सुबह उठते ही खाना भी नहीं हो जाता मेरा शुरू, 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैं खाते ही हूँ बस, होता और कुछ नहीं, बिकॉज वो शो ही ऐसा है, उसके ऊपर जो चीज़ें बन रही हैं वो चीज़ें ही ऐसी सारी, सो इंशाल्लाह बहुत जल्दी वेरी सून आपको बताऊंगा कैसे है क्या है। सीरियल में शूट करना कितना टफ होता है, हमने सुना है 12-18 घंटे की शिफ्ट आप लोग करते हैं? अभी तो फिर भी ये हो जाता है, जैसे जैसे आप जब नए होते हो, जब नया शो शुरू होता है, तो मतलब ऑलमोस्ट आपकी 24 में से 20 घंटे भी हो जाते हैं, है ना, डिपेंड्स करता है आपके डायरेक्टर के ऊपर, आपकी टीम के ऊपर, आप कितना हार्डवर्क करते हो, आपकी बाकी एक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी, बिकॉज हम लोग सारे नए थे तो हम
हमने 18-18 घंटे भी शूट किए शुरू में। इवन 3 महीने तो मुझे पता नहीं था कि मतलब दिन कब होते रात कब होती है। इवन 8 सालों में माशाल्लाह मुझे अभी मैं ये लगता है कि यार मतलब अभी कुछ भी नहीं किया हमने। 8 साल होते क्या है, इट्स अ पीरियड आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। ये जिंदगी ऐसी है क्योंकि इंडस्ट्री का कोई पता नहीं होता कि इंसान कब काम करता है कब बैठ जाता है, कोई चीज़ फिक्स नहीं है। सो मैं बस ये चाहूँगा जितने भी लोग हैं सब काम करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना। और 18 घंटे आप काम, आप करना क्या, आपको काम ही तो करना है। तो अगर आज आपको ऊपर वाले मौका दिए तो करो, फिर मजे लो उसके, है ना। तो ये नहीं है कि यार थक गए या नहीं हो गए, कभी ऐसा होना नहीं चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। इवन इंडस्ट्री में तो यही रूल है, क्योंकि जिनको मैं फॉलो करती हूँ, अगर मैं देखूँ तो आज अमिताभ बच्चन है, सलमान खान है, अक्षय कुमार है, शाहरुख है। मैं शाहरुख के साथ भी मैंने शो किया अपना, है ना, साथियों हुआ थे दिलवाले की शूटिंग के ऊपर। उनको फीवर भी था, उनको इंजरी भी थी, लेकिन फिर भी वो इंसान मतलब आए 3 घंटे में उन्होंने पूरा सीन किया, एक एक लाइन बोली, क्लोज दिए और किया। तब जाके पता चलता है कि कितना हार्डवर्क करना पड़ता है ना। तो अभी मैं पीछे सुन रहा था कि पद्म रणवीर सिंह ने कितना हार्डवर्क किया है पीछे, उसको जब वो कहते कि जब वो क्लाइमेक्स शूट करता तो उसको फीवर था और ऊपर से उसने 12 kg के जो उसके क्लोज से वो पहने हुए थे, और आप कितना हार्डवर्क कर रहे हैं और आज उसको उस चीज़ का मिला भी है। क्योंकि हर इंसान की फिल्म देखने के बाद एक ही इंसान की हर इंसान की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, रणवीर सिंह, अलाउद्दीन खिलजी, दैट्स इट। अगर वो बंदा फिल्म में नहीं होता, सीरियसली ऐसे रोल करना इंसान की तमन्ना होती है, ऐसे रोल मिले तो मैं करूँगा, है ना, हर इंसान का ड्रीम होता है, तो उसके लिए भी हार्डवर्क करना पड़ेगा। टीवी पे वैसे तो बहुत सारे सीरियल्स हैं, आपका कोई फेवरेट है? टीवी में मेरा भाभी जी घर पे, मैं वही देखता हूँ। अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत टाइम पास है, बहुत अच्छा है और बहुत ही फ्रेश कॉमेडी होती है उसमें, अच्छा लगता है। बाकी कपिल शर्मा का शो था जो बंद हो गया, तो मैं वही देखता हूँ। बाकी साथ बोध हमने 8 साल खुद किया है तो मुझे वो देखता हूँ, मैं कभी सारे शोज देखता हूँ थोड़े से बहुत, है ना। बाकी मुझे साथ अपना ये भाभी जी घर पे सबसे बढ़िया शो। तो कौन सी भाभी जी ने इम्प्रेस किया, अभी वाली या जो पहले वाली भाभी? पहले वाली भी बहुत अच्छी थी, है ना, अब बिग बॉस बन चुकी है, विनर है ना। लेकिन सारे कैरेक्टर्स हैं, हाँ सारे कैरेक्टर्स हैं उसमें, सब अच्छे ही करते हैं। इवन जितनी इंटायर कास्ट पूरी उसकी भाभी जी की, नॉट इवन वन, इंटायर कास्ट इज अ सुपर सीरियसली। इवन स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, कैमरामैन, डीओपी, जितने भी लोग हैं, इज अमेजिंग, नो डाउट। आपको कौन से जॉनर के लिए काम करना ज़्यादा पसंद है, कॉमेडी, एक्शन? मुझे सबसे पहला जो जॉनर, मुझे कॉमेडी बहुत अच्छी है, क्योंकि बिकॉज मुझे लोग बोलते भी जैसा तू है वैसा होता नहीं है, क्योंकि साले तू जैसा दिखता है वैसा है ही नहीं, क्योंकि तू सीन जब करता है तू सीरियस कैसे हो जाता है। ये बोलता ये बोलना पड़ता भाई तू इतनी ज़्यादा सीरियस होता कैसे, तो उनको बोलता भाई मैं जो सेट के अंदर जो रूम बने होते ना हमारे मेकर रूम, तो वहाँ पे सबसे लड़के गाड़ियाँ देके सबको फिर सेट पे आता हूँ ताकि मैं सीरियस रहूँ, है ना। तो मेरी कॉमेडी इवन और एक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई लव एक्शन एंड कॉमेडी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट नजीम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, लव यू।